36 के स्कोर पर आउट हो चुकी टीम इंडिया क्रिकेट की धरती में अपना वजूद खो चुकी थी। टीम इंडिया का 36 के स्कोर पर ऑल आउट होना संपूर्ण विश्व के लिए एक उपहास का विषय बन चुका था। 36 के स्कोर पर टीम इंडिया सिमटी है एडिलेड टेस्ट में अपनी दूसरी पारी में। ताश के पत्तों की तरह टीम इंडिया ढेर हो गई। कोई भी बल्लेबाज टीम इंडिया का 10 का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर लगाई और लिखा, मोदी जी अगले मैच में भारत के लिए ओपन करेंगे। एक सारिफ ने लिखा, भारतीय टीम की विकेटें ऐसे गिरी जैसे अभिनंदन का जहाज। या फिर पाकिस्तानी फैंस का ये रिएक्शन, देखिए भारत के लिए एक ही कहावत बैठती है कि जिथे दी खोती होते आंच। इंडिया जीरो है, आज तक एक फास्ट बॉलर नहीं प्रोड्यूस कर सके। इंडियन तुम्हारी हालत यही है, ये चने चावल खाओ तुम। तो इनको शर्म आनी चाहिए, डूब मानना चाहिए भारत को। वैसे के विराट कोहली कप्तानी में थे, ये कभी भी यूरोप कंट्री में जाते तो उनकी हवा निकल जाती है, फुस हो जाती। टीम इंडिया के रियल फैंस का दिल दहला रहा था, जो भी आता वही ट्रोल कर जाता। क्रिकेट का सीना जानने वाला इंसान भी विश्व की नंबर वन टीम को क्रिकेट कैसे खेला जाता है ये बता रहा था। पिछले 6 साल की चलो क्रिकेट उठा के देखो, आप इंग्लैंड में हारे हो 2 बार, आप न्यूजीलैंड में आप बुरी तरह हार के आए हो, आपको हर जगह हार के ही आए। हिंदुस्तान क्रिकेट की धरती पर शर्मसार हो रहा था और इस कदर क्रिकेट की धरती में हमारे वतन को शर्मसार होते हुए देखना संपूर्ण विश्व की अभिलाषा थी। 36 पर ऑल आउट टीम इंडिया के लिए कलंक बन चुका था। ऐसे हालात में टीम इंडिया के पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, एडिलेड में मिली उस हार का या तो टीम इंडिया बदला ले या उस हार से उभर ना पाए और उसी में बिखर जाए। अश्विन ने स्टीव स्मिथ को आउट करने की प्रतिज्ञा ली। I understand how he bats and how he flows and what he likes and what he doesn't like, and I think I can play around if he's got. रहाने ने भी कमर कस ली, क्योंकि मेरे प्लान्स अलग हैं, हर एक कैप्टन के प्लान्स अलग होते हैं और मेरे प्लान्स अलग। रविंदर जडेजा, सबके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एडिलेड में मिली हार का पलटवार। लेकिन ये कहानी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अब टीम इंडिया का साथ छोड़ चुके थे। समी की कलाई टूट चुकी थी, हिटमैन रोहित शर्मा अभी भी टीम इंडिया के संपर्क से बाहर थे। ऐसे हालात में ये जंग और भी मुश्किल थी। लेकिन जिस टीम ने 36 पर ऑल आउट होने का दर्द सहा हो, उस टीम के लिए इससे दर्दनाक और कुछ नहीं हो सकता। 26 नवंबर 2020 के लिए कंगारू पूरी तरह तैयार हो चुके थे। सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया सीरीज जीतने की प्रबल दावेदार थी, लेकिन वही टीम दुनिया के लिए अब कुछ नहीं थी। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास आत्मविश्वास का समंदर था, वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपने साहस के दम पर खड़ी थी। पिछले 4 सालों के संपूर्ण रिकॉर्ड उस एक हार से ध्वस्त हो चुके थे। जो लोग सीरीज से पहले टीम इंडिया के समर्थक थे, वही लोग पहले मैच के बाद टीम इंडिया के खिलाफ हो चुके थे। आखिर वो दिन आया जब ये दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने होने वाली थी और इस मैच पर संपूर्ण विश्व की निगाहें थी, क्योंकि इस मैच से पहले टीम इंडिया के पास कई सारे सवाल थे जिनके जवाब ना तो विश्व क्रिकेट के पास थे और ना ही इंडियन क्रिकेट टीम के पास थे। दुनिया के लिए सबसे पहला सवाल था, इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली की जगह टीम इंडिया में कौन खेलेगा? क्या विराट की गैर मौजूदगी में ये टीम पलटवार करने के लिए तैयार है? क्या ये टीम कंगारुओं के घर में कंगारुओं के सामने टिक पाएगी? क्या इस टीम में पलटवार करने का साहस होगा? कुछ ऐसे ही हालातों में लिखी जाती है दुनिया के सबसे बड़े पलटवार की ये कहानी। मैच का पहला दिन, टीम इंडिया कई सारे प्रश्नों के साथ मैदान पर उतरती है, क्योंकि उस दिन टीम के साथ ना तो रोहित थे, ना ही विराट थे और ना ही समी होने वाले थे। ये टीम दुनिया की नज़र में पहले से भी और ज़्यादा लाचार और कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि इन दिग्गजों की गैर मौजूदगी में ये टीम आग उगलते गंगारों के सामने टिक पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल था। और कुछ ऐसे ही हालातों में कमान दी जाती है टीम इंडिया के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे के हाथों में। दिग्गजों की जगह शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज का टीम में चयन हुआ। शाह की जगह पंत को शामिल किया गया। कंगारू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि पहले मैच की तरह इस मैच में भी उनका करिश्मा होगा, लेकिन उस करिश्मे की तलाश में कंगारू अपनी पहली भूल कर चुके थे। उनकी शुरुआत बहुत ही खराब रही और 38 के स्कोर पर कंगारुओं के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अश्विन ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अपना वादा निभाया और कंगारुओं के अहम बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को सस्ते में ही चलता कर दिया। ट्रेविस हेड और लबुसेन ने कंगारुओं की पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन जसप्रीत के सामने उनका ये प्रयास अधूरा ही रह गया और पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम 195 पर सिमट गई। अश्विन और जसप्रीत ने मिलकर कंगारुओं का शिकार किया। सिराज ने भी अच्छा खेल दिखाया, लेकिन असली पलटवार अभी बाकी था, क्योंकि आग उगल रहे कंगारू गेंदबाजों का सामना करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। ऐसे हालात में टीम इंडिया एक नए ओपनिंग पेयर के साथ मैदान पर उतरती है। पृथ्वी शो की जगह शुभमन गिल को मौका दिया गया था, लेकिन कहानी में कोई बदलाव नहीं होता और टीम इंडिया ने अपना पहला विकेट बिना खाता खोले ही गवाया।
करवा दिया। मयंक अग्रवाल मिचेल स्टार्क का शिकार बन चुके थे। ऐसे हालात में कंगारुओं के हौसले और बुलंद हो चुके थे क्योंकि टीम इंडिया उनकी सोच के अनुसार ही शुरुआत कर रही थी। लेकिन दिन का खेल खत्म होते होते टीम इंडिया ने 36 के स्कोर पर सिर्फ एक विकेट खोया था। मैच का दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले उम्मीद थी कोई करिश्मे की। शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा टीम इंडिया के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, लेकिन 61 के स्कोर पर गिल पैट कमिंस का शिकार बन जाते हैं और टीम इंडिया के दोनों ओपनर 61 के स्कोर पर पवेलियन में बैठे थे। टीम इंडिया के स्कोर में महज 3 रनों का इजाफा होता है और टीम इंडिया की दीवार चेतेश्वर पुजारा भी पैट कमिंस के सामने अपना विकेट गंवा देते हैं। ऐसे हालात में टीम इंडिया के लिए विकेट पर मौजूद थे हनुमा विहारी और अजिंक्य रहाणे। दोनों ने साथ मिलकर एक अर्धशतकीय साझेदारी निभाई, लेकिन विहारी ज्यादा देर कंगारू के सामने नहीं टिक पाए और लाथन लायन का शिकार बन गए। 116 रनों पर टीम इंडिया ने अपने 4 विकेट खो दिए थे। टीम इंडिया की पारी अब लड़खड़ा चुकी थी। कंगारू गेंदबाज फिर से कहर बरसा रहे थे। रिद्धिमन साहा की जगह टीम में आए ऋषभ पंत से सभी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन पंत भी 29 रन बनाकर मिचेल स्टार्क का शिकार बन गए। 173 रनों पर टीम पवेलियन लौट चुकी थी, लेकिन पिछले मैच में फ्लॉप रहे अजिंक्य रहाणे ने कंगारू की आग में खुद को पूरी तरह झोंक दिया था और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया का स्कोर 277 रनों पर 5 विकेट था। कप्तान अजिंक्य रहाणे 104 रन बनाकर नॉट आउट थे और जडेजा भी 40 रन बनाकर नाबाद लौटे। ऐसे में टीम इंडिया के पास 82 रनों की लीड हो चुकी थी और 5 विकेट हाथ में थे। मैच का तीसरा दिन, रविंदर जडेजा और अजिंक्य रहाणे के बीच 121 रनों की साझेदारी होती है और इसकी मदद से टीम इंडिया एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रही थी, लेकिन फिर एक गलती ने सब खराब कर दिया। अजिंक्य रहाणे खुद की गलती से स्वयं रन आउट हो गए और ये झटका टीम इंडिया को बड़ी जोर से लगने वाला था। इसके बाद जडेजा भी 57 रन बनाकर स्टार का शिकार हो गए। जिस टीम इंडिया के 306 रनों पर 6 विकेट थे, वही टीम इंडिया 326 रनों पर ऑल आउट हो जाती है और एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रही टीम इंडिया कंगारू के सामने सिर्फ 131 रनों की लीड दे पाती है। लेकिन अब बारी थी कंगारू बल्लेबाजों की दूसरी पारी की। एक बार फिर कंगारू की शुरुआत इस मैच में अच्छी नहीं रही और मात्र 4 रन पर ही अपना पहला विकेट गंवा दिया। अभी तक खामोश रहे उमेश यादव ने भी अब अपना जोहर दिखाना शुरू कर दिया था। इसके बाद कंगारू बल्लेबाज इंडियन पेस के सामने पानी भरते नजर आए। फिर स्टीव स्मिथ हो या ट्रेविस हेड, सब नाकाम रहे और पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 200 रन ही बना पाती है। अब भारत को जीत के लिए मात्र 70 रन बनाने थे और ये लक्ष्य पिछले मैच की यादों को ताजा कर रहा था। 4 दिन पहले 36 पर ऑल आउट हो चुकी वो टीम। ऐसे हालात में पूरे विश्व को आशंका थी 36 पर 10 विकेट की, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। भारत जीत की कहानी लिख चुका था। पिछले मैच में कंगारू से 8 विकेट की हार मिली थी और 4 दिन बाद भारत ने उन्हीं कंगारू को वही हार उतने ही विकेट से थमा दी थी और सभी आलोचकों की बोलती बंद कर दी। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे अच्छा मोमेंट आपको क्या लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।